बेटा देखिए आज का आपका टॉपिक है हाउ वाज वर्क डन इन द अर्लियर टाइम्स एंड सेकंड वन इज हाउ इज वर्क डन टुडे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। अर्ली ह्यूमंस यूज टू डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या अपना काम खुद से करते थे। दे यूज टू फाइंड न्यू वेज टू मेक द वर्क ईजी, और वो नए नए तरीके ढूंढते थे कि कैसे उनका जो वर्क है वो ईजी हो सके। ठीक है, मैनी थिंग्स वी हैव टूडे वे आर नॉट द अर्लियर। और अगर हम पहले की बात करें और अभी की बात करें तो बहुत ही डिफरेंस हो चुका है, और पहले और अब में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैनी ईयर्स एगो पीपल यूज टू वॉक और रन टू डिफरेंट सिटी टू डिलीवर मैसेजेस। पहले के लोग क्या थे, जो भी मैसेज वगैरह डिलीवर करना होता था तो क्या है, वॉक करके जाते थे। ठीक है, वॉक करके रन करके डिफरेंट सिटीज में टू डिलीवर मैसेजेस, मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए वो एक सिटी से दूसरी जगह दूर दूर तक उनको जाना होता है। ठीक है, तो सेकेंड है पीपल यूज हैंड पैंक इन समर, दे यूज टू पे बैक बाई हैंड। और पहले के लोग क्या, पहले क्या इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, फैन कूलर एसी ये सारी चीजें नहीं थी, तो लोग क्या हैंड वाला फैन यूज करते थे समर के लिए। ठीक है, हैंड फैन इन समर, गर्मी जब उन लोग को लगती थी तो वो लोग जो है हाथ से यूज हैंड फैंस होते थे उसका यूज वो लोग करते थे। ठीक है, पीपल यूज टू कुक फूड बाई बर्निंग वुड एंड लॉग्स। और पहले आजकल क्या इंडक्शन हो गया, गैस वगैरह ये सारी चीजें नहीं थे। पहले के लोग क्या था, आज अभी तो इतनी सारी चीजें हो गए, पहले क्या था जो लोग थे वो लकड़ी वगैरह से खाना बनाते थे, लकड़ी वगैरह जला के और वो लोग खाना बनाते थे। तो पीपल यूज टू कुक फूड बाय बर्निंग वुड एंड लॉग्स, जो लकड़ियों की ढेर होती थी लकड़ियों से वो लोग जला के खाना बनाते थे। पीपल यूज टू ट्रेवल बाई फुट और देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम आज की बात करें तो देखिए हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हमारे पास बाइक है, कार है, स्कूटी है, साइकिल है, बट पहले क्या था मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे। ठीक है, ग्रेजुअली दे मेड कार्ट्स लाइक हॉर्स ऑक्स एंड ब्लॉक कार्ट्स। ठीक है, तो ये लोग ये बनाते थे और वो लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह फुट अपने पैरों से जाते थे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था उस समय। और अगर वो लोग बनाते भी थे, धीरे धीरे उन लोगों ने क्या शुरू किया बनाना, कार्ट वगैरह वो लोग बनाने लगे, हॉर्स का हो गया, ऑक्स का हो गया एंड ब्लॉक कार्ट्स। ओके, फिर आता है पीपल यूज टू वॉश क्लोथ्स बाई हैंड, इट यूज टू बी वेरी टाइम। तो मतलब क्या है, पहले के लोग क्या था, अभी वॉशिंग मशीन वगैरह का यूज होने लगा है, पहले वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं था तो लोग क्या अपने हाथों से कपड़े धोते थे। ठीक है, और उससे क्या है कपड़े वगैरह धोने से वो लोग बहुत थकते भी थे। और अब क्या है मशीन वगैरह से क्या है हमारा टाइम का भी बचत होता है और हमारी एनर्जी भी कम लगती है। ठीक है, फिर आता है आपका लेट्स ट्राई 5 और इसमें आपको बताना है टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस। पहले के अकॉर्डिंग बहुत टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। कैन यू नेम द मशीन्स दैट हैव मेड आवर वर्क इजीयर टुडे। तो आपको बताना है जैसे वॉशिंग क्लोथ्स बाय हैंड, देन पहले की बात, और अगर अब की बात करें तो हम लोग वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। ट्रेवलिंग बाय फुट और कार, पहले के लोग अब कार वगैरह का यूज करते हैं। कुकिंग फूड ऑन वुडन लॉक्स, और अब हम लोग गैस स्टोव का यूज करते हैं। वॉकिंग टू सिटीज टू डिलीवर मैसेजेस, वॉक करके जाना होता था पहले, और अब क्या है फोन हो गया, ईमेल हो गया, एसएमएस वगैरह से हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज वर्क डन टुडे। आप देखिए आज की बारे में पढ़ेंगे, अभी तक हमने पढ़ा था जो है अर्लियर टाइम्स। ठीक है, अर्लियर टाइम्स का पढ़ा था, अब हम टुडे का पढ़ेंगे। तो देखिए टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड आवर लाइफ वेरी इजी, और पहले के अकॉर्डिंग हमारी अभी की जो लाइफ है बहुत ही ईजी है। वी हैव डिफरेंट मशीन्स एंड अप्लायंसेस दैट मेक आवर वर्क इजी, बहुत सारी मशीन्स आ चुकी है जिससे हमारा काम ईजी हो जा रहा है और हमारे टाइम की भी बचत हो रही है। फर्स्ट वन इज वी कैन टॉक टू पीपल ऑन द फोन एंड दे कैन बी इन अनदर प्लेस सिटी और इवन इन सम अदर कंट्री, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो आप इसी फोन कॉल पे आप बात कर सकते हो। ठीक है, वी हैव गैस स्टोव्स एंड माइक्रोवेव ओवन दैट कुक आवर फूड, और खाना बनाने के हमारे पास क्या है गैस स्टोव है, माइक्रोवेव है। वी हैव इलेक्ट्रिक बल्ब दैट ग्लो व्हेन वी स्विच देम ऑन, और जो भी पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी अब इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए हमारे घरों में क्या बल्ब वगैरह जलते हैं। वी हैव गीजर दैट इजीली गिव अस हॉट वाटर टू बाथ एंड वॉश क्लोथ्स
एन्यूटेंसिल्स, मतलब अब क्या हमारे पास गीजर भी है, इससे क्या है हमें इजिली गर्म पानी मिल जाता है और इससे हम नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, ठीक है। वी हैव वॉशिंग मशीन दैट हेल्प अस वॉश क्लोथ इजिली इन लेस टाइम। वॉशिंग मशीन में क्या है, पहले के लोग हाथ वगैरह से धोते थे, लोग थकते भी थे, तो अब क्या है हम वॉशिंग मशीन में हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमें हमारी एनर्जी भी कम लगती है। We have cars, trains and aeroplanes that quickly take us different places. और easily हम एक country से दूसरी country, एक state से दूसरी country, long distance में हमें जाना है तो easily अपने vehicle से चले जाते हैं। फिर आता है आपका less traffic. Circle the object that you see at your home. अब आपको इसमें वो object बताना है जो आप अपने घरों में देखते हो, तो आप phone हो गया, lantern हो गया, AC हो गया, washing machine हो गया, microwave हो गया, तो इस पर आप लोग tick mark करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये थे आपके आज के टॉपिक्स, इसके बाद का जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी, और जो भी डाउट है वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।